आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं आयो बिट ऐप लॉक नाम के ऐप का। इसकी मदद से हम अपने फ़ोन में फेस लॉक लगा सकते हैं। किसी भी ऐप को हम फेस लॉक की मदद से लॉक कर सकते हैं। तो मैं गूगल के प्ले स्टोर पर आया और मैंने टाइप कर दिया आई कैपिटल में, ओ कैपिटल में और बिट स्मॉल में। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे सामने वाला ऐप ओपन हो गया है। ये ऐप मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो रहा है और इसका साइज है 5.1 MB। इसके रिव्यूज़ देख लेते हैं थोड़े। तो जो इसके रिव्यूज़ हैं इसे मिले हुए हैं 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स और 1 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फिर इसकी मदद से हम पैटर्न लॉक लगा सकते हैं, जो कि नॉर्मल लॉक करने का फीचर होता है, हमें किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में मिल जाता है। और इसकी मदद से हम फेस लॉक भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करके देखेंगे जब ये डाउनलोड हो जाएगा। ये 80% डाउनलोड हो चुका है और ये डाउनलोड हो रहा है मेरे फ़ोन में। तो कुछ सेकंड्स के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है मेरे फ़ोन में। मैं इसे ओपन करके देखता हूँ। तो मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। जब ऐप अपने ऐप को ओपन करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी। आपको एक नया पासवर्ड डालना पड़ेगा अपने आयोबिट नाम के ऐप को सिक्योर करने के लिए। तो मैं इसमें एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ और उस पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना होगा। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसमें अपना एक ईमेल आईडी जोड़ सकता हूँ। इसकी मदद से अगर मैं कभी अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ तो इस ईमेल आईडी की मदद से रिकवर कर पाऊँगा। बाइंड कर दिया मैंने। अब मैं इन सारे ऐप्स को लॉक कर सकता हूँ जो जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मैसेजिंग को लॉक करूँगा। मैसेजिंग पे क्लिक करने के बाद अगर आपका एंड्रॉयड 5 या उससे ज़्यादा है तो आपको इसे कुछ परमिशंस ग्रांट करनी होगी। तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से स्विच करूँगा और आईबिट ऐप लॉक पर जाके इसे परमिशन ग्रांट कर दूँगा। परमिशन ग्रांट करते ही ये आपको ऐप पे दोबारा वापस ले आएगा। अब मेरा मैसेजिंग ऐप लॉक हो चुका है। मैं इसे ओपन करूँगा तो मुझे आयोबिट वाला पासवर्ड डालना होगा और उसी के बाद मैं अपने मैसेजिंग ऐप को अनलॉक कर पाऊँगा। तो आयोबिट पे आने के बाद मुझे दोबारा से अपना आयोबिट वाला पासवर्ड डालना होगा। आयोबिट वाला पासवर्ड डालने के बाद जो आपको फेस दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए तो ये कुछ फाइल्स डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। और इन फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद आप अपने ऐप्स पर, जैसे कि मैं मैसेजिंग पर लॉक लगा रहा हूँ इस बार, तो आप मैसेजिंग पर फेस लॉक भी लगा पाएंगे जब ये सारी फाइल से डाउनलोड कर लेगा तब। तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। जब ये AI फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं इनेबल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। जब आप इनेबल नाउ पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपको दिखाई दे फील्ड, क्योंकि इसे कैमरा परमिशन ग्रांट नहीं है। वो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद इसे कुछ परमिशंस ग्रांट करनी पड़ेंगी। तो मैं अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में जा रहा हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है परमिशंस में। ऐप सेटिंग्स में आपको कोई अपने फ़ोन में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। परमिशंस में जाने के बाद दोबारा परमिशंस पर क्लिक करना है। उसके बाद कैमरा, और इन इन ऐप्स को कैमरा परमिशन ग्रांट है और जिनको नहीं है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं आई ओ बिट ऐप लॉक को परमिशन ग्रांट कर देता हूँ। इसको मैंने ऑन कर दिया। मैं दोबारा अपने आई ओ बिट ऐप में आऊँगा, पासवर्ड डालूँगा आई ओ बिट का, दोबारा फेस पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और इनेबल नाउ पे। ये मेरा फेस को एनालाइज कर रहा है और यस कर दिया इसने। मैं मैसेजिंग पे इस मैंने लॉक लगा दिया है। अब मैं इसे मैसेजिंग को ओपन करके देखूंगा तो ये मेरा फेस को स्कैन कर रहा है और इसने पहचान भी लिया और बिल्कुल सही तरीके से मैसेजिंग ओपन हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।